वाक्य ज्ञान। बच्चों, आज हम वाक्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। वाक्य परिभाषा और उसके उदाहरण, आज हम इसके बारे में भी समझेंगे। परिभाषा, शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है और शब्द अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे घ र घर, ये एक शब्द हुआ। च ला चल, ये दूसरा शब्द हुआ। अब अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, घर चल, ये एक वाक्य हो गया। इस वाक्य से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी को घर चलने के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक सार्थक शब्द है, इससे कोई मतलब निकल रहा है और ये एक वाक्य है, घर चल। इसी तरह अगर हम इसे ल च लच, रघ रघ ऐसे लिखते तो ना ये शब्द बनता और ना रघ चल कोई वाक्य बनता, ये गलत हो। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लव घर चल, लव घर चल, ये दो दो अक्षर के शब्द हैं और ये दो अक्षर का वाक्य हुआ। अमन सहज चक, इसमें अमन सहज में तीन अक्षर हैं और ये आपका तीन अक्षर का वाक्य हुआ। इसी तरह कसरत कर, कसरत इसमें चार अक्षर हैं और कर में दो अक्षर हैं और ये आपका चार अक्षर का वाक्य हुआ। इस तरह लव घर चल, अमन सहज चक, कसरत कर, ये तीनों आपके वाक्य हुए। इनसे कोई आपका सार्थक अर्थ निकल रहा है, आपको कोई मतलब समझ में आ रहा है, इसलिए ये वाक्य है और इनको दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर के द्वारा आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। चित्र के द्वारा अब हम इसे समझते हैं। देखिए, इस चित्र में एक बच्चा घर जा रहा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, लव घर चल, यानी बच्चे से घर चलने के बारे में कहा जा रहा है। तो इससे एक सार्थक मतलब समझ में आता है कि लव को घर चलने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे पिक्चर, इसमें देखिए अमन सहज चक, एक बच्चा सहज चक रहा है, उसको सहज चकने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, अमन सहज चक, और ये एक सार्थक शब्द है, इससे बच्चा सहज चक रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है। कसरत कर, इस पिक्चर से हमको कसरत के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों को कसरत के लिए कहा जा रहा है, यानी कसरत कर। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। चित्रों को देखकर हम इससे वाक्य बनाएंगे। तो चित्र देखें और वाक्य बनाएं। पहला चित्र, इस चित्र में एक बच्चा खत पढ़ रहा है, तो हमारा वाक्य बनता है खत पढ़। ये दूसरा चित्र, इसको देखकर आप समझें बच्चे फल चख रहे हैं, कौन सा वाक्य बनेगा, फल चख। यह हमारा तीसरा चित्र है, इसमें बच्चे झगड़ रहे हैं और हमारा वाक्य बन रहा है झगड़। इसमें बच्चे झगड़ रहे हैं और हमारा वाक्य बन रहा है झगड़ मत। ये चौथा चित्र है, इसमें एक बच्चा सड़क पर टहल रहा है। इस चित्र को देखकर हमारा वाक्य बन रहा है सड़क पर मत टहल। पांचवा चित्र, इसमें अचकन बनी हुई है, अचकन देखकर एक वाक्य बनाए, अचकन पहन। अब यह हमारा छठा चित्र है, इस पर बच्चे बरगद के पेड़ पर चढ़ रहे हैं और हमारा वाक्य बनता है बरगद पर मत चढ़। थैंक यू।